लाए थे मैं तो मेरे से बर्तन वगैरह तो बर्तन के लिए चलते हैं। हरिकोट वाली बासों में भी चुके थे प्यार वाला। नमस्ते, मेरा नाम है अनीता प्रिया, स्वागत आपका दे भूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 9:30 बजे से और मैं अभी रेड से भी होकर सड़क पर भी आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ आज घूमने और मेरे साथ जा रही हूँ मेरी सिस्टर है और वो मकान है तो उनके साथ जा रही हूँ मैं। और मेरी सिस्टर लॉन्ग गाँव जा रही है ना सरोजनी काम करने, क्या काम करती है थोड़ा LIC में, तो मेरी सिस्टर आजकल LIC में काम कर रही है वहाँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-4 दिन गई थी और फिर वापस आई तो कपड़े सपड़े नहीं लेके गई थी क्योंकि इसने बोला जैसा ही मन लगेगा वैसा ही जाएंगे, तो फिर से आई है कपड़े कुपड़े लेने तो आज जा रही है। अब कब आएगी अब पता नहीं, अब मेरी ननद की शादी में आएगी बस सीधा फरवरी में, तो उससे पहले नहीं आएगी। तो चलो हम गाड़ी पे जा रही है आज और यहाँ पे लगी है गाड़ी और लोग तो अभी आए नहीं हैं, बस अभी हम हैं यहाँ पर, तो देखते हैं गाड़ी कब तक निकलती है यहाँ से। आज का मौसम बड़ा ही ख़राब हो रखा है कसम से, आसमान पे बादल ही बादल लगे हैं और बहुत ख़राब है, बारिश भी हो सकती है। आज कल ना हवा तो चल ही रही थी लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा आसमान खराब है, हो सकता है बारिश भी हो सके और हो भी नहीं सकता है क्योंकि कुछ मालूम नहीं है, बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी तक कुछ वैसे बल 3-4 दिन तक बल बारिश नहीं दिखा रखी है लेकिन भरोसा नहीं है कुछ आसमान का, तो देखते हैं। और गाड़ी जल भी बहुत ही लोड हो रखी है, पहुंच गए हैं मैं थोलार बाज़ार और अभी मतलब अभी पहुंची हूँ और थोड़े और तो चलती हूँ मैं अब बर्तन की दुकान में क्योंकि मकान के लेने हैं बर्तन वगैरह, तो बर्तन के लिए चलते हैं और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत काम निपटा के। तो आ गए हम बर्तनों के दुकान पर और यहाँ पर है ससुर जी है मकान दोस्ती है पर सासू जी लगती है, तो ये ले लिए हमने और एक कटोरी गिलास एंड थाली कढ़ाया हो एक तवा। अभी आ गई हूँ मैं चूड़ियों पहनने और रास्ते में ना फंस गए है आज देखो मतलब यहाँ पर जीप सी लगी है पीछे और वहाँ पर गाड़ी अभी आ रही है तो हम उतर गए हैं नीचे और देखो तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर और कसम से मतलब मैं वहाँ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ी एकदम से निकल गई थी और ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाई और गाड़ी फिर थी मतलब बहुत सारे लोग बहुत लोड थी गाड़ी और इसलिए ना ब्लॉग बना पाई, हल्का फुल्का बना पाई एक दोस्त। तो देर आ रहा देखो देखकर बिस्तर के ऊपर गई है चीजें खोज रही है जमली पे लगे गर्मा गर्म जमली अरे आ ले चीजा और चीजा दे ओ चीजा दे ना मामा आ जा। तो दोस्तों ये चूड़ियां लेके आई हूं मैं आरा देखे ले और ये है रबर की क्योंकि हॉट चूड़ियां ना कान की चूड़ियां ना बहुत जल्दी फोड़ तोड़ती है और इसलिए मैंने ये लेके आई हूं चीजा और इसे पहनाऊंगी आरा ने तो और इसे नहीं फोड़ेगी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों कल का ब्लॉग मतलब मैं ऐड नहीं कर पाया। दोस्तों अभी आए हैं मतलब मेरी सासू ही लगती है वो लोग आए हैं हमारे घर पर और वो लोग कह रही हैं कि मतलब हमें एल्बम देखनी है शादी की, तो चलो दिखाती हूँ उनको मैं अपनी शादी की फ़ोटो वगैरह है इस एल्बम में, तो ले चलती हूँ आप लोगों को। तो चलो तो ये रही हमारी शादी की एल्बम की शुरुआत और ये लोग आए हैं सासू जी देखने और बीच वाली मामी जी है और तो देख रहे हैं ये एल्बम देवर जी भी देख रहे हैं। तो देखे आरा देखे पापा और नाते टाइम की फोटो है। तो यहाँ पर पीस रहे मतलब दाल की फोटो और ये है पकौड़ों की फोटो और फोटो है एक लगा रखी है और ये है मतलब ये यहाँ की एल्बम है। अब सीधे पच पहुँच गए हैं दाल भर को दाल। हम तो फोटो आ
देखो प्यार से आए और अभी आराध्या सोरा की है और वो लोग भी चले गए हैं अपने घर, जो कि मतलब कि वो देख एल्बम देखने आ रखे थे हमारी शादी की, तो मतलब वो भी चले गए हैं। और अब खाती हूँ मैं खाना पीना और आराध्या तो अभी उठेगी नहीं, तो चलो मैं पहले खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। और अभी मैंने थोड़ी बहुत कपड़े कुपड़े धुले हैं। तो आजकल ना ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है, अब मैं थोड़ी स्वेटर पहन लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ कुछ काम। धूप भी अपने घर जाने वाली है अब, और आराध्या भी उठ गई है और आराध्या ने भी खा लिया है खाना पीना। और आप करती हूँ मैं कुछ और काम, और जी की उठ पटांग काम देखो मैं बोल रही थी, और संतरा फेंका नीचे से ये मार 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 ये हमने संतरा खा गया लोर मनार हम वीडियो ज्यादा मार। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ मिट्टी डालने का काम, क्योंकि मैं करूँगी मतलब जो कंकर पड़े हैं जो मंडोरी लगाए हैं उस पे के लिए लिपाई के लिए करना है मैंने मिट्टी की चलाए। तो चलो चलते हैं मिट्टी चालने, और छन्नी लगा रखी हमने खेत में। तो चलो पहले उसे चाल। तो दोस्तों लगाई हूँ मैं मिट्टी चालने, ये है बिलचा और इसे हमारी गढ़ वाली भाषा में बिलचू कहते हैं, और वो लगा रखी हमने वहाँ पर छन्नी। तो ऐसे चालेंगे हम इसे मिट्टी ऐसे सीऊ सकाश। और हवा भी ना बहुत तेज हो रही है और मिट्टी ना धूली दूर उड़ रही है मिट्टी से, तो क्या करे काम तो करना पड़ेगा। दोस्तों खा लिया हमने खाना पीना भी, और मतलब सोने भी आ गए हैं, और मेरी ननन और आराध्या तो सो गई है, तो अब मैं भी सोती हूँ। तो मतलब आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से मेरे ब्लॉग पसंद आए होगा आप लोगों को, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता भैया मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तले टाटा बाय।